आज जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। एकदम इजी चैप्टर है। ये चैप्टर है क्या समझाता हूं। देखो कोई भी बिजनेसमैन है ना, उसका जो बिजनेसमैन बिजनेस करता है, जो बिजनेसमैन बिजनेस करता है उसके पास उसका दो खर्चा होता है। एक होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस, एक होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। एक्सपेंस दो होंगे, एक होंगे वेरिएबल एक्सपेंस, एक होंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अगर ये खर्चा को एनालाइज करने आ गया आपको तो चैप्टर आपको अच्छे समझेगा। ये चैप्टर सबके ऊपर अप्लाई होता है। जैसे कि अगर आप शूज बेचते रहेंगे तो आपके ऊपर अप्लाई होगा। अगर आप बुक बेच रहे हैं, बुक खरीदते हैं बेचते हैं, आपके ऊपर अप्लाई होगा। आपका केक का बिजनेस है, आप केक बनाते हैं और उसको बेचते हैं, केक का बिजनेस है। आपका कपड़े का बिजनेस है, मतलब रेडीमेड कपड़ा बेचते हैं, खरीदते हैं उसको मार्जिन लगा बेचते हैं। मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ तो बिजनेस करने के लिए मैं पहले एक स्टडी कर लिया क्या क्या चाहिए मुझे। तो सबसे पहले एक रूम चाहिए मेरे को, तो मैं रूम पता लगाया और सामने ने बोला देखो 3000 रुपए भाड़ा आएगा, बोला डन। सेकेंड चीज, मैं जो रूम लिया हूँ उसमें बिजनेस करूंगा तो गुड्स खरीदूंगा और बेचूंगा। जैसे मैं बुक खरीदा तो मैं बुक में परचेस मैं पूछ के आया ये बुक कितने का मिलता है होलसेल में, तो उन्होंने बोला 60 रुपीज का मिलता है और मैं इसको बेचूंगा MRP पे 100 रुपीज का बेचूंगा, तो डिफरेंस इज मेरा मार्जिन। बस यही खर्चा है बिजनेस का। ध्यान देना, एक इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ मैं। सोचो 100 रजिस्टर्ड बेचा मैंने, 100 यूनिट्स, तो दो कॉलम उसके रुपीस और पर यूनिट, रुपीस और पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब होता है एक रजिस्टर्ड कितने का। अपन दुकान में जाते हैं तो पूछते ना अंकल एक रजिस्टर्ड कितने का, अपन इन्हें पूछते ना दुकान कितने का, एक कितने का। तो हियर कम द डेटा सेल्स। एक रजिस्टर्ड सोचो 100 रुपए का बेच रहा हूं मैं, एक रजिस्टर्ड 100 रुपए का बेच रहा हूँ, ऐसा पूरा साल भर में 100 यूनिट्स बेचा तो 100 × 100 आंसर 10,000 का मेरा सेल हो गया। वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये जो रजिस्टर्ड में बेच रहा हूँ ना 100 रुपए का, मैं भी खरीद के लिए क्या कहूँ 60 रुपीज का, एक रजिस्टर 60 रुपीज का, तो 60 रुपीज का खरीदता हूँ तो ऐसा 100 खरीदा तो 100 × 60 आंसर 6,000। अब एक आंसर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। एक आंसर आएगा उसको हम लोग बोले कॉन्ट्रीब्यूशन। आंसर आएगा 4,000 पर पीस कमाए 40 रुपया। लेकिन हमारा भी कुछ खुद का खर्चा होता है उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है, रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन। देखो आप स्टाफ रखे हो तो पगार तो देना पड़ेगा आपको, उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कोई भी दुकान में चले जाओ, एक ओनर होगा और 3-4 कारीगर होंगे दिखाने के लिए शॉप में, तो लेस फिक्स कॉस्ट, लेस फिक्स कॉस्ट। गैस फिक्स कॉस्ट 3,000 रुपए, फिक्स कॉस्ट 3,000 रुपए। तो व्हाट इज द प्रॉफिट, एक छोटा सा बिजनेस किया मैंने, व्हाट इज द प्रॉफिट 1,000। हमने 100 यूनिट सोल्ड किया, एक पीस बेचते हैं 100 रुपए का, तो 100 × 100 10,000 का हमारा सेल्स हो गया। लेकिन मैं जो पीस बेच रहा हूँ 100 रुपए का, मैं भी किधर से खरीद के लेके आया हूँ, उसको बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। पर पीस 60, तो 100 × 60 6,000, तो मैं कमाया कितना 4,000। पर पीस कितना कमाया 40। लेकिन हमारा भी कुछ खुद का खर्चा है उसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। इट कैन बी रेंट, सैलरी, तो लेस करना फिक्स एक्सपेंस, आंसर आएगा प्रॉफिट। क्लियर, छोटा सा फॉर्मेट है याद रखे, सेल में से लेस करना वेरिएबल एक्सपेंस, आंसर है कॉन्ट्रीब्यूशन, लेस करना फिक्स कॉस्ट, आंसर आएगा प्रॉफिट। ओके नाउ अभी इसके बेस पे कुछ सवाल का जवाब ढूंढना आपको। तो सबसे पहला फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 1, उसका नाम है पीवी रेशियो। ओके तो फॉर्मूला नंबर 1 पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसको हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं P/V। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स × 100। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स × 100। अच्छा देखो मैचिंग फॉलो करने का, अगर रुपीस लोगे ना तो रुपीस लेने का, यूनिट लोगे तो यूनिट लेने का। एग्जांपल 4,000 इज द कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कॉन्ट्रीब्यूशन लिखेंगे 4,000 डिवाइड बाय सेल्स कितना देखो 10,000 × 100, आंसर आएगा 40%। अगर आप इसको भी लोगे तो 40 आएगा, तो फिर क्या कर लेगा 40 डिवाइड बाय 100 × 100, आंसर आएगा 40%।
पीवी रेशो 40% का मतलब होता है सीधा सीधा हम कस्टमर से कितना कमाएंगे, सेम एज ग्रॉस प्रॉफिट जैसा, लेकिन हमारा भी कुछ इनडायरेक्ट खर्च है। तो पीवी रेशो कितना परसेंट, 40%। सेकेंड सवाल, अगला फॉर्मूला पूछते हो एग्जाम में आपको, सेकेंड फॉर्मूला पूछता नाम है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। देखो स्टूडेंट, 100 पीस बेचा तो 1000 कमाए ना, मैं पूछ रहा हूँ कितना बेचूंगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ये बिजनेस को पहले से पता रहना चाहिए, क्यों? अगर उसको पहले से पता चल जाए कि इतना बेचेगा तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, तो उससे ज्यादा ही बेचेगा ना। कोई बिजनेसमैन ये तो नहीं बोलता है ना मैंने बिजनेस शुरू किया लॉस करने के लिए। तो अगर आपको आपका ब्रेक इवन पॉइंट पता चल जाए तो आप इससे ज्यादा ही बेचोगे, आपका टारगेट रहेगा इतना तो अचीव करना है, क्योंकि ये नो प्रॉफिट नो लॉस का स्टेज है। इससे ज्यादा बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा, इससे कम बेचूंगा तो लॉस होगा। तो व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट अगर चाहिए यूनिट्स में, तो फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट, 3000, फिक्स कॉस्ट 3000 डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया, 40, तो आंसर आएगा 75 यूनिट्स, आंसर आएगा 75 यूनिट्स। इसका मतलब अगर आप 75 पीस बेचोगे ना तो आपको गारंटी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, तो 75 के नीचे सोल्ड करोगे तो लॉस होगा, 75 के ऊपर जाओगे तो लॉस प्रॉफिट होगा। फिर से बोलता हूं, ब्रेक इवन पॉइंट कितना है अपना, 75 यूनिट्स, इसके आगे यूनिट्स लगाने का, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, तो फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, 75 के ऊपर बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, 75 के नीचे जाओगे तो लॉस होगा। थर्ड फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर थर्ड है, ये ब्रेक इन पॉइंट किसमें निकाला हमने, यूनिट्स में निकाला। कभी कभी लोग बोलते हैं ब्रेक इन पॉइंट हमको रुपीस में बताओ, तो उसका फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, तो रसायन लगाने का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो इंटू 100। पीवी रेशो का आंसर परसेंटेज में रहता है, 40 डिवाइड बाय 100 करोगे तो इसलिए डबल डिविजन, इससे 100 ऊपर जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला बताओ, फिक्स कॉस्ट कितना है, 3000 डिवाइड बाय पीवी रेशो, डिवाइड बाय पीवी रेशो आप भी निकाल लेते हैं, 40 इंटू 100, आंसर आएगा 7500। इसका मतलब 7500 का अगर मैं माल बेचूंगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, 75 यूनिट्स बेचेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, या रुपीज से बोले तो 7500। चलो वेरीफाई करते हैं अपना आंसर राइट है कि रॉन्ग है, ये टेबल है ना, इसको फिर से कॉपी करने जा रहा हूं। अभी मैंने कितना पीस बेचा, 100 पीस बेचा ना, 100 नहीं बेचेंगे, 75 पीस बेच के देखते हैं। तो यहाँ ऊपर लिखूंगा 75 यूनिट्स, दो कॉलम, रुपीज और पर यूनिट। तो ध्यान देना क्वेश्चन को, हम कितना बेचेंगे बताओ, सेल्स, एक पीस 100 रुपए का बेचते हैं तो 100 रुपए का बेचेंगे, तो 75 इंटू 100, आंसर 7500। इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, एक पीस कितने खरीदते हैं अपन, 60 रुपीज का, तो 60 रुपीज, तो 75 इंटू 60, आंसर 4500, आंसर आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, 3000 पर पीस 14, लेकिन मुझे भाड़ा भी तो देना है, लेस फिक्स कॉस्ट कितना दोगे, भाड़ा अमाउंट सेम रहता है, आंसर वेरीफाई हुआ का। तो ये देखो 75 यूनिट्स बेचा ना, 75 दिखाई दे रहा, 75 यूनिट्स बेचा, और रुपीस में ये वाला आंसर दिखाई दिया का। एज भी समझ में आया ब्रेक इन पॉइंट कैसे निकालना है, तो ब्रेक इन पॉइंट क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस का स्टेज बताता है। अगर ये पर्सन 75 से ज्यादा बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, आप चेक कर सकते हो। क्या करो यहाँ ना 76 लेके सॉल्व करो, 76 इंटू 40 करो डायरेक्ट, 76 इंटू 40, तो आंसर आएगा 3040, उसमें से 3000 भाड़ा देगा तो 40 रुपए कमाएगा। अच्छा एक काम करो, 74 बेच के देखो तो उसको लॉस होगा,
74 into 40 करना, तो आंसर आएगा 2960। 40 रुपए कम आया क्योंकि लॉस होगा, समझा? ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं आगे का। ऐसा मत समझना 100 पीस बेचा तो 1000 कमाया, तो 200 पीस बेचे तो 2000 कमाएगा, गलत सोच है, ऐसा नहीं होता है। सेल बढ़ेगा ना तो वेरिएबल कॉस्ट ही बढ़ता है, लेकिन एक खर्चा है फिक्स कॉस्ट, दिस विल रिमेन सेम, फिक्स कॉस्ट नहीं बदलता है भाई। कितना भी लोग आए फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही होता है, तो जरा ध्यान देना, अगर 100 यूनिट बेचा तो 1000 कमाए ना, तो ध्यान देना अगर 200 यूनिट बेचेंगे तो कितना कमाएंगे, 200 यूनिट, और आपको ढूंढना है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट सर्च करना है। तो कैसा फॉर्मूला ट्राई करेंगे, अभी आपको फसल देंगे, 100 पीस बेचा तो 1000 कमाएगा, आप बताओ 200 पीस बेचे तो कितना कमाएंगे, तो ये मत बोलना 2000, गलत, क्योंकि सेल बढ़ता है ना तो वेरिएबल कॉस्ट ही बढ़ता है, लेकिन एक खर्चा है जिसका नाम फिक्स कॉस्ट है, वो नहीं बदलता है, वो उतने का उतना ही रहता है। आप एक रूम भाड़े पे ले लो ना, घर में कितना लोग भी रहेंगे भाड़ा तो सेम ही रहता है, भाड़ा तो सेम ही रहेगा। तो जरा ध्यान देना फॉर्मूला इसका, रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट, रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय यूनिट्स में चाहिए ना, यूनिट्स में, तो डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करने का। तो ध्यान देना फिक्स कॉस्ट कितना दिख रहा है आपको, 3000 प्लस प्रॉफिट ढूंढना है। सेल्स कितना दिया था, देखो 200 दिया था ना सेल, 200 यूनिट, प्रॉफिट आपको ही तो ढूंढ रहे हम लोग, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये देखो कंट्रीब्यूशन ये नहीं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये वाला है, तो डिवाइड बाय 40, मैक्स है 40 into 200, आंसर 4 to 8, आंसर 8000 इक्वल टू 3000 प्लस प्रॉफिट, आप ये सेट कर जाइए अभी, तो प्रॉफिट कितना आएगा, आंसर आता है रुपीस में 5000। क्लियर प्रॉफिट कैसे आया, प्रॉफिट आएगा 5000। तो 100 पीस बेचे ना तो 1000 कमाए, तो 200 पीस बेचे तो कितना कमाएंगे, 5000। अगला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 5, अगर अभी हमने कितना 1000 का माल बेचा, 10000 का माल बेचा तो 1000 कमाया, मैं बोल रहा हूँ 20000 का माल बेचे तो कितना कमाएंगे, तो 2000 नहीं आएगा 5000 आएगा, बता दो कैसे। तो सेल्स रुपीस में दिया है भैया, रुपीस में, तो ऊपर वाला किस में था, देखो सेल्स यूनिट में था, अभी किस में, सेल्स रुपीस में, तो क्या ढूंढना है आपको, प्रॉफिट ढूंढना है। तो आज जो इसका फॉर्मूला है, रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज, फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो इनटू 100। रिक्वायर्ड सेल कितना दिया है, 20000, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, आंसर 3000 प्लस प्रॉफिट आपको ही तो ढूंढ रहे हैं हम लोग, डिवाइड बाय पीवी रेशो हम भी निकाले थे, 40 into 100 मैक्स है, आप सब ये सेट आइए, तो डिवाइड है ना स्टूडेंट, ये सेट आएगा तो इनटू, तो 20000 इनटू 40 और एक इनटू है, तो ये सेट आएगा तो डिवाइड होगा इक्वल टू 3000 प्लस प्रॉफिट, इसको कैसे भी डाले तो 4 to 8, आंसर 8000, इसको ये सेट लाए तो माइनस 3000 इक्वल टू प्रॉफिट, तो व्हाट इज द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आएगा हमें 5000। ऐसे ही समझना है कैसे निकाला सर ने प्रॉफिट 5000। देखो वापिस बोलता हूं, सेल्स बढ़ता है ना, सेल्स बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट ही बढ़ता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट नहीं बदलता है। सेल बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। रेंट फिक्स्ड होता है, रेंट सैलरी फिक्स्ड होता है, समझा? तो पीवी रेशो का फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, वो आपको बताता है कि कमाते कितना, मार्जिन कितना है। सेकंड फॉर्मूला ब्रेकिंग पॉइंट्स इन यूनिट्स, फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, नो प्रॉफिट नो लॉस से बताता है। अगला फॉर्मूला ब्रेकिंग पॉइंट इन रुपीज, फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो इनटू 100, उसका आंसर किसमें आएगा, रुपीज में आएगा, ये वेरिफिकेशन है, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। रिक्वायर्ड सेल्स 100 पीस बेचे तो 1000 कमाए, तो 200 पीस बेचे तो कितना कमाएंगे, उसका फॉर्मूला रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
यही है अगर रिक्वायर सेल्स अगर रूपी से पूछे तो फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड पीवी रेशियो इनटू 100। चलिए आगे का नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसका नाम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका स्ट्रॉन्ग पोजीशन बताता है कि आप ज्यादा कितना बेचे। देखो ब्रेक एंड पॉइंट पे नो प्रॉफिट नो लॉस आता है, मार्जिन सेफ्टी इसके ऊपर का स्टेज होता है। जैसे एग्जाम्पल देख ले, ये पूरा एक्चुअल सेल, मतलब आपका एक्चुअल सेल कितना 10,000 था, ये पूरा एक्चुअल सेल है, लेकिन मैं अपना ब्रेक इन पॉइंट निकाला था बताओ 7,500, मतलब ये स्टेज का अपना ब्रेक इन पॉइंट है। तो बताओ यहाँ बेचेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, लेकिन मैंने 10,000 का माल बेचा तो कितना ज्यादा सेल किया है। ये जो पोजिशन है इसी को बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मिला मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसको बोलते हैं, द पॉइंट अबाउ द ब्रेक इन पॉइंट। ब्रेक इन पॉइंट के जो ऊपर का जो सेल्स करते हैं उसी को बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, यहां करके दिखाता हूं। व्हाट इज माई एक्चुअल सेल 10,000, व्हाट इज माई ब्रेक इवन सेल 7,500। यहां निकाला था देखो 7,500, तो मैंने ज्यादा कितना बेचा, आंसर रुपीज में रहेगा 2,500। ये डायग्राम में भी समझ में आ रहा है, देखो ना ये पूरा 10,000 एक्चुअल सेल है, इसमें इतना ब्रेक इवन पॉइंट था, इतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। सेफ्टी मतलब आप कितना सेफ हो, कितना ज्यादा बेचा। सेकेंड, कभी कभी ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, तो और एक फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 7 मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, M/S का मतलब होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक और एक फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। तो व्हाट इज द प्रॉफिट, देखो 1000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो 40 इनटू 100, आंसर आएगा सेम 2500। क्लियर? तो मार्जिन सेफ्टी का फॉर्मूला दो फॉर्मूला है, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, सेकंड फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100, दोनों का आंसर सेम आएगा। अज्यूमिंग इससे रिलेटेड सब फॉर्मूला आपको समझ में आया अच्छे से, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला याद रहे, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100, रिक्वायर्ड सेल्स अगर रुपीस में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100, रिक्वायर्ड सेल्स अगर यूनिट्स में चाहिए तो फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और रिक्वायर्ड सेल अगर आपको रुपीस में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का दो फॉर्मूला, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, और सेकंड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। थैंक यू।